मंगलौर विधानसभा के टिकोला गांव में राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट आज जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनके स्वागत में काफी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने इस दौरान लोगों से बातचीत की, आई सुनते क्या रही लोगों की राय। मंगलौर विधानसभा का टिकोला गांव, यहाँ आज युवा हृदय सम्राट सचिन पायलट जी आ रहे हैं, उनका स्वागत करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी मंगलौर से काजी निजामुद्दीन है, उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए सचिन पायलट जी आ रहे हैं। लोग यहाँ जमा है, लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से उनके स्वागत की तैयारियां हैं, क्या कहेंगे सचिन पायलट जी आ रहे हैं उनके बारे में क्या। सचिन पायलट जी के आने से कांग्रेस को बहुत भारी फायदा पहुंचेगा और ये सीट नीति 4-5 हज़ार से जीती जाएगी। काजी निजामुद्दीन फिर से विधायक बनेंगे और विधायक बनने के बाद कांग्रेस की सरकार आएगी, काजी निजामुद्दीन मंत्री बनेंगे। सचिन पायलट के आने से यहाँ पर उनको बहुत फायदा होगा, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या नाम है आपका। विपुल चौधरी। क्या कहेंगे सचिन पायलट जी, एक राष्ट्रीय नेता और हर बिरादरी का हर युवा वर्ग उनके चाहने वाले, आप लोग देख ही रहे हैं यहाँ कितनी भारी संख्या में मौजूद है और हम यहाँ से उत्तराखंड में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या इस बार उत्तराखंड में परिवर्तन होगा। हाँ जी बिल्कुल, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी पब्लिक जनता कांग्रेस के साथ है, सब जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, कुछ युवा साथी मौजूद है, क्या कहेंगे इसको, इस बार वोट दे रहे हैं काजी निजामुद्दीन को, कांग्रेस पार्टी को। आप क्या कहेंगे? काजी निजामुद्दीन भाई, मारा क्या कहना, हम लोग 13 महीने वहाँ पड़े, किसान मर गए 700, और अब और क्या कहेंगे, 700 तो मर गए और कितने मरवाओगे, नु बताओ तुम, बदलाव करना। इस बार बदलाव का मन बना चुकी है बिल्कुल, यहाँ किसान लोग हैं, ये गांव जो है किसानों का गांव माना जाता है टिकोला, इसका कहना है कि 13 महीने से किसान जो है बॉर्डर पे पड़े थे, 700 किसान मर चुके हैं, इस बार परिवर्तन लाना है। कुछ चेयरमैन साहब मौजूद है, क्या नाम है आपका। चरण सिंह जी, क्या कहेंगे इस बार बदलाव। बिल्कुल होगा। किसको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ, क्या उत्तराखंड में सरकार ला रहे हैं। बिल्कुल, किसानों ने पूरा मन बना लिया है। बिल्कुल, किसानों ने, सभी बिरादरी ने। आपका क्या नाम है, नौवारली। क्या कहेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के बारे में आज के युवा को चाह रही एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और ये भ्रष्टाचार मुक्त जो रियलिटी है, क्योंकि पहले इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज होता था, स्कॉलरशिप आती थी, अब काफ़ी टाइम से कोई स्कॉलरशिप नहीं आ रही। दूसरी चीज़, सभी लोग, आप मैक्सिमम लोग यहाँ पे किसान एरिया है, सबका गन्ना पेमेंट प्रॉब्लम आती थी। दूसरी चीज़, पर्ची वर्ची डालना, और दूसरी मैक्सिमम लोग, एक साल से आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में सचिन पायलट जी आ रहे हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में। भाई किसानों के नेता है और युवाओं के नेता है, तो जाहिर सी बात है उनके आने से युवाओं में ऊर्जा का ग्राफ बढ़ेगा, उनके आने से इंशाल्लाह जरूर बढ़ेगा। और कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आ रही है और मंगलौर से काजी निजामुद्दीन क्या कहेंगे, युवा साथी कुछ बोल रहे हैं, क्या मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीत रहे, बहुत भारी उठो तो। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच सरकार आ गई तो यहाँ फैक्ट्री भी लगाओगे, रोजगार भी देंगे। 5 साल से विधायक है, लोगों का कहना है, जो उनके विरोधी है विपक्ष का ये कहना है कि वो विकास नहीं करा पाए। विधायक निधि से थोड़ा ही लगा देंगे, अभी विधायक निधि से फैक्ट्री थोड़ा ही लगा देंगे, बताओ। क्या कहेंगे ये हम तो एक ही चाह रहे हैं, कोरोना काल में जितना उन्होंने काम किया, किसी बीजेपी के नेता ने को इतना काम नहीं किया। कोरोना काल में लगातार कंडक्शन मशीन भी दी, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, लगातार जनता के बीच में रहे कोरोना काल का टाइम को। कोरोना काल में काजी निजामुद्दीन जो है वो जनता के बीच रहे हैं और उन्होंने जनता के लिए काम किया, क्या कहेंगे। काजी निजामुद्दीन बहुत अच्छे है, 24 घंटे में हमारे साथ काम करा कोरोना टाइम में, और सब नेता अपने कुंडे में घर में पड़ गए थे। काजी निजामुद्दीन 24 घंटे अपने कार्यकर्ता फोन करा, भाई आपके अड़ोस पड़ोस में किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई जी, उन्होंने 24 घंटे हमारे साथ रहे जी, हमारे साथ काम करा, और रात को 2 बजे हमने फोन किया, सिलेंडर की व्यवस्था है तो तुरंत कराई। क्या कहना मैं ये कहूँगा कि किसानों का बहुत बड़ा योगदान है, इनके ऊपर एक शेर कहूँगा कि मोदी जी वजूद कुछ भी नहीं था तुम्हारी सियासत का, सतून किसानी बने थे तेरी इमारत का, और इन्हीं के दम पे मिली थी बात साथ भी तुमको, खुमार भी किसानी उतारेंगे तुम्हारी बात साथ का। धन्यवाद। तो ये थे कुछ युवा साथी और किसान मौजूद थे जिनका साफ तौर से कहना है कि किसान जो है इस बार परिवर्तन करेंगे उत्तराखंड में। अब ये आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा कि परिवर्तन होता है या नहीं। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वन इंडिया, हरिद्वार, मंगलौर।
2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पौड़ी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में मतदान करने की अपील मतदाताओं से करने के लिए पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी के पक्ष में मतदान करने की अपील की सभी मतदाताओं से। इस दौरान उनके द्वारा डोर टू डोर जनसंपर्क कर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों के लोगों से अवगत कराया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही राष्ट्रवादी पार्टी रही है, जिन्होंने राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखा है। अभी कार्यकर्ताओं के साथ जा रहे हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बात भी करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा संपर्क भी होगा लोगों के साथ, और हमें पूरी आशा है कि जिस तरीके का काम भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में किया है, देश में किया है, जनता जो है वो पार्टी का साथ देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो लोगों का विश्वास है और जिसकी वजह से लोग आज मोदी जी को मानकर और जो मेरी लगातार जनता के बीच में आना जाना बना रहा है, इस वजह से लोग मुझे अथाह प्रेम और समर्थन दे रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।